अगर आपको बैठना ज्यादा पसंद है, कुछ लोगों को बैठना बहुत पसंद होता है और वो लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, जैसे टीवी देखना, किसी से बात करना, या फिर अगर खाली समय है तब भी वो बैठ के फोन देखना, ये सब काम करते रहते हैं, उन्हें बैठना बहुत पसंद होता है। लेकिन बैठने की वजह से उनका जो फैट है वो जल्दी से बढ़ने लगता है, जैसे कि जो पेट का फैट होता है वो अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो पेट आपका बाहर निकलने लगता है। लेकिन अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ स्टेप ऐसे बताने वाली हूँ जिनको आपको बैठे बैठे ही करना है, बिल्कुल अपनी जगह से नहीं उठना है। अगर आप बैठे बैठे ही उन स्टेप्स को रोज फॉलो करते हैं तो आपका जो बेली है वो बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाएगा, जो लटका हुआ सा रहता है वो स्किन आपकी टाइट होनी शुरू हो जाएगा, आपका अंदर का जो फैट है जिसकी वजह से आपका बैली ठोस लगता है जब आप दबाते तो ऐसा लगता है मानो पता नहीं क्या कुछ भरा हुआ है, तो वो कम होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे करके जब वहां से फैट हटेगा, स्किन टाइट होनी शुरू हो जाएगी, तो आपका बैली अपने आप ही अंदर चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन लोगों को बैठना ज्यादा पसंद है तो बैठे बैठे भी आप अपना पेट घटा सकते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। इसके साथ ही अपनी डाइट का जरूर ध्यान रखना है। अगर आप खाना खाने के जैसे आधे घंटे बाद कुछ भी मुंह में डाल लिया उसके बाद भी आप खाते जा रहे, पानी पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, किस समय आपको कितना पानी पीना चाहिए आपको बिल्कुल इस चीज के बारे में मतलब समझ नहीं है, या फिर पता नहीं है, या फिर आप करना नहीं चाहते, अगर ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, ये आपको बीमारियां भी दे सकता है और फैट आपका घटने नहीं देगा। तो इन सब की जानकारी के लिए और किस तरह की डाइट आपकी होनी चाहिए जो कि स्पेशली आपके फैट को खत्म करती है, तो आप मेरी वेबसाइट sumanhealthcity.com पे विजिट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि बैठे बैठे कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे आप जल्दी से अपने बेली फैट को अंदर कर सके, और बहुत ही सिंपल से स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ध्यान ये रखना है कि खाना खाए हुए आपको 2 घंटे हो चुके हैं। जो भी हैवी मील खाते हैं, जैसे हमने दोपहर का खाना खाया, सुबह का ब्रेकफास्ट किया, तो उसको किए हुए में 2 घंटे हो चुके हों तब हम कर सकते हैं, या फिर हम खाली पेट जैसे सुबह के ब्रेकफास्ट से पहले या शाम का खाना खाने से पहले तब हम ये जो स्टेप्स है वो फॉलो कर सकते हैं, इससे ज्यादा असर आपके बैली के ऊपर पड़ेगा। अगर खाना खाने के एकदम से बाद करेंगे तो हो सकता है पेट में दर्द हो जाए, अफारा आ जाए, क्योंकि खाना हमारे पेट में होता है, इसलिए कोई भी स्टेप्स खाना खाने के तुरंत बाद ना करें। अब जानते हैं कि किस तरीके से ये स्टेप्स करने हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो थोड़ा सा गर्म पानी पी ले, 1 कप के आसपास, थोड़ा सा तेज गर्म पानी वो आप पी ले सिप सिप करके। अब आप नॉर्मल तरीके से ऐसे बैठ जाए जैसे आप आलती फालती मारकर बैठे रहते हैं इस तरीके से। अब आपको क्या करना है कि एक पैर को उठाना है और ऐसे रख लेना है, अगर आपसे हो सके तो दोनों को इस तरीके से रख लीजिए, ऐसे आलती पालती मार लीजिए, लेकिन ऐसा बहुत से लोगों से नहीं हो पाता, तो आप एक काम करिए, एक पैर को आप ऊपर रख सकते हैं, एक पैर को तो सब लोग ऊपर रख के कर सकते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले हाथों को ऊपर उठा के और सामने की तरफ झुकना है। अब मैं आपको अच्छे से करके दिखा देती हूँ साइड से होके, ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। तो इस तरीके सबसे पहले अपनी अपर बॉडी को पूरा स्ट्रेट करना है, हाथों को पूरा लंबा खींचना है ऊपर तक, और धीरे धीरे कमर को सीधे झुकाते हुए आगे की तरफ जाना है। अब जितना आप आगे जा सकते उतना आपने जाने की कोशिश करना है। जैसे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो मैं आगे तक जा सकती हूँ, अपनी नाक को भी जमीन से लगा सकती हूँ, लेकिन बहुत से लोगों की अभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो आपको पूरा ऐसा नहीं कि खींचातानी करने की कोशिश करना, जितना आप आगे तक जा सकते हैं, जैसे कुछ लोग इतना ही जा पाएंगे, उनसे आगे नहीं मुड़ा जाएगा, या तो उनका पेट अड़ेगा या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे खिंचाव आ सकता है, उनकी जो थाई होती है उनमें खिंचाव रह सकता है। तो जितना आप जा सकते हैं उतना ही जाने की आपने कोशिश करना है, धीरे धीरे हाथों को खिसकाते हुए रोज प्रैक्टिस करनी है कि आप थोड़ा और ज्यादा कर पाओ इस तरीके से, थोड़ा और ज्यादा खिंचाव ले पाओ, अपनी बॉडी में खिंचाव आपको महसूस होगा तो वो थोड़ा थोड़ा आप बढ़ाते जाना है, महसूस करना है कि थोड़ा सा ज्यादा खिंचाव ले इस तरीके से। और एक दिन ऐसा होगा कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप पूरा यहां तक पहुंच जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद सबसे पहले जैसे कि आपने सीधा किया बिल्कुल बीच में, आप इतना जा पाए ठीक है कोई बात, अब आपको सीधा उठ जाना है, हाथों को ऐसे रखना है, अब आपको थोड़ा सा साइड में जाना है, हल्का सा
अपनी जो अपर बॉडी है उसको थोड़ा सा इस तरफ बेंड कर देना है और ऐसे ही धीरे धीरे करके साइड में जाने की कोशिश करना है, हाथों को आगे ले जाने की कोशिश करना है जितना आप जा सकते हो। कम से कम 10 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकना है, अपने घुटने को नहीं उठने देना। बहुत से लोग घुटने ऐसे उठ जाएंगे तो आपको कोशिश करनी है कि घुटना ना उठे। धीरे से फिर वापस आना है और इसी तरीके से आपको इस साइड जाना है। जितना भी आप जा पाते हैं घुटने ना उठे, बस ये ध्यान रख। धीरे से वापस आ जाना है ऐसे ही हाथ खिसकाते हुए। अब आपको ऐसे ऊपर, अब आपको और ज्यादा अपनी बॉडी को मूव करना है साइड में, बिल्कुल साइड में कर देना है। साइड में जाने की कोशिश करना है, आगे तक मेरे यहाँ स्पेस नहीं है, दीवार आ रही है, लेकिन आपको आगे तक जाने की कोशिश करना है। इस तरीके से अपनी बॉडी को डीपली स्ट्रेच करना है, बिल्कुल आगे तक जाने की कोशिश करना है ऐसे। और इसी तरीके से दूसरी साइड में करेंगे। बस ये ध्यान रखें आपका घुटना ना उठे। और धीरे से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पहले मिडिल में जाना है, फिर थोड़ा सा खिसकना है अपनी बॉडी को, ऐसे खिसकाना है, फिर इस साइड जाना है, फिर थोड़ा सा इस साइड खिसकाना है, इधर जाना है, फिर आपको क्या करना है और ज़्यादा अपनी बॉडी को मूव करना है, साइड में ट्विस्ट करना है, फिर ऐसे सीधा जाना है और फिर अपनी बॉडी को दूसरी तरफ और फिर इस तरफ जाना है। ये आपने करना है, जितना भी आपसे हो पाता है उतना आप करिए। अब सेकेंड स्टेप पे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप में आपने हाथों को इस तरीके से जोड़ लेना है। अब आपको सामने से दिखा देती हूँ, इस तरीके से ऐसे आपको हाथों को जोड़ लेना है। अब आपको बिल्कुल साइड में ऐसे पीछे अपने हाथों को जोड़ के पीछे ले जाना है अपना, बिल्कुल ऐसे। जब आप ऐसे करेंगे और ऐसे ही आलती पालती मार के आपको बैठे रहना है, तब आप फील करेंगे आपके जो बैली के मसल्स है वो सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब इस तरीके से आप गए तो ये जो बैली के इधर वाले मसल्स हैं सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं और सारों के ऊपर आपको स्ट्रेच फील होगा। इस तरीके से बहुत स्ट्रेच फील होगा, आपको पसीना आ जाएगा ये करते वक्त जब आप ये करेंगे। तो कम से कम 10 रेपिटेशन इस साइड और होल्ड करने की कोशिश करें जितना आप होल्ड कर सकते हैं। पेट कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने किसी भी तरीके से अपने पेट को मूव करना शुरू कर दिया, यानी हिलाना शुरू कर दिया, अब वो कैसे भी आप कर सकते हैं, या तो उछल कूद करके कर सकते हैं या घूम फिर के कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग तेज चाल चलते हैं, वॉकिंग करते हैं सुबह सुबह, उससे भी हो सकता है, या आप बैठे बैठे ही अपने आप को मूव करते रहिए, अच्छे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते रहिए, तो भी आपका फैट घटने लगेगा। ये मर्जी आपकी है कि आप किस तरीके से करना पसंद करते हैं। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है, इस तरीके से हाथों को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे एक हाथ को नीचे ले आना है और नीचे ले आके एक हाथ को फिसलाते हुए साइड में बिल्कुल अपनी बॉडी को बेंड कर देना है ऐसे, जहां तक आप बेंड कर सकते हैं। ध्यान ये रखे आपका ये वाला घुटना ऐसे ऊपर ना हो जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसे साइड में आपने आपको पूरे तरीके से बेंड कर दीजिए तो आपके जो साइड के मसल्स हैं वो सारे स्ट्रेच हो जाएंगे। इस तरीके से आपको 10 रेपिटेशन हर एक साइड में करनी है। जितने भी लोगों के घुटने में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है या मोटापा ज्यादा है, इस वजह से वो ज्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो वो ये वाले स्टेप फॉलो करके अपने फैट को कम कर सकते हैं। अब करते हैं हम अपना लास्ट वाला स्टेप। लास्ट वाले स्टेप में आपको नॉर्मल आलती पालती मारना है, पैरों को बिल्कुल नॉर्मल कर देना है, ऊपर नहीं रखना है, इस तरीके से जैसे आप बैठते हैं। सबसे पहले आगे की तरफ आपको जाना है ऐसे,
फिर आगे जाने के बाद धीरे से आप ऐसे बॉडी को सीधा करते हुए हाथों को पीछे ले आएंगे। पीछे ले जाने के बाद इस तरीके से आपको उठाना है अपनी मिडल, जो आपका पार्ट है, जैसे कुल्ले हैं, आपका पेट है, आपकी छाती है, उसको उठा देना ऐसे, और घुटने आपके जमीन पर ही रहेंगे इस तरीके से। ऐसे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर वापस हाथों को ऐसे आगे की तरफ लाएंगे, धीरे से फिर पीछे, वापस फिर सामने, इस वाले स्टेप के भी आपको 10 रेपिटेशन करने हैं। और इसके बाद आप आराम से रिलैक्स होके 5 मिनट के लिए लेट जाइए। जैसे कि शवासन में लेटते हैं, आप अपने आप को पूरे तरीके से रिलैक्स होने दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो आराम से आप बैठे बैठे भी अपने बेली फैट को आराम से घटा सकते हैं। और जैसे कि डाइट पे ध्यान देना ज़रूरी है, तो वो चीज़ें आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जो अच्छी चीज़ें होती है फैट को जल्दी से घटाती हैं, और जो ख़राब चीज़ें होती हैं फैट को बढ़ाती हैं, तो वो चीज़ें अवॉइड करें। तो ऐसा करने से आप पूरे तरीके से स्वस्थ भी हो जाएंगे और अपने फैट को पूरे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।